क्या दोस्त, कैसे हो? जैसा था वैसा ही हूं। तुम कैसे हो? ज्यादा अच्छा नहीं। क्या हुआ? पत्नी गुस्सा होकर चली गई, आने का नाम नहीं ले रही। अब क्या करोगे? मना कर, उसे लाना होगा। लक्ष्मी, सुनती हो क्या? मैं जा रहा हूँ, नहीं, आ रहा हूँ। ओह दोस्त, चलते चलते भूख लग गया। सच में दोस्त, मुझे भी भूख लगा है। वो देखो, एक ढाबा दिख रहा है। चलो दोस्त, जाके छोला पूरी खाते हैं। घर पे तो छोला पूरी खा के आया, खाना है तो चलो फल खाते हैं। इतने कड़े धूप में कोई फल खाता है क्या? वादा करो खजूर खिलाओगे। चलो देखते हैं। ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। या हाँ, मेरे जो दिमाग है, अच्छे अच्छे को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। अगर मेरा ढाबा कोई संभाल ले तो मैं अपना दिमाग लगाकर मंत्री बन जाता, समझे? मत हंसिए अब। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा हूँ। यही तो लगता है। अगर सब दू तो हम लोग तुम्हें 100 मोहर देंगे। अगर तुम हार गए तो कह दोगे? बोलो बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। लेकिन हाँ, मैं जो दे पाऊँ वही मांगना। चांद तारे मत मांगना, नहीं दे पाऊंगा। डरो मत, डरो मत, चांद तारे नहीं मांगेंगे। अगर शर्त हार गए तो हम लोगों को कुछ खिलाना होगा, समझे? हाँ, खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? अगर तुम हार गए तो 7 दिन तक हम दोनों को सुबह शाम अपने ढाबा पर खाना खिलाओगे, समझे? जितना कुछ बनता है वो सब कुछ तुम हमें खिलाओगे, समझे? मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो बोलो, किसे बेवकूफ बनाना है? हाँ, अब एक समझदार आदमी चाहिए। जिसे तुम बेवकूफ बनाओगे वो कहाँ मिलेगा? हाँ, वो देखो, ढाबा के बाहर कोई खड़ा है। कौन है ये? पहचान नहीं पा रहे हो? ये तो हमारा गोपाल है। हाँ हाँ गोपाल, लेकिन सर पे कपड़ा क्यों बंधा है? शायद इतने कड़े धूप से सर को बचाने के लिए। सुना हो कि ये बहुत समझदार है, इसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता कोई। क्या बात है, बिन बदल बरसात क्यों इसे बेवकूफ बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाऊंगा, जरूर बना पाऊंगा। लेकिन लेकिन तुम दोनों पे ना बहुत तरस आ रहा है। क्यों तरस आ रहा है? सोच रहा हूँ कि तुम दोनों हार जाओगे तब सौ मुद्राएं कहाँ से लाकर दोगे? हाँ, देखते हैं कौन जीतता है, हमारे 100 मुद्रा या फिर तुम्हारे 7 दिन का खाना। याद रखना, वो नाई का बेटा बहुत चालू है, बुलाओ उसे। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। गोपाल भैया, गोपाल भैया, सुनिए सुनिए। कौन बुला रहा है? तुम बुला रहे हो? हाँ, इतने धूप में बाहर क्यों खा रहे हो? हाँ आइए, अंदर आइए, अंदर आकर बैठिए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आओ यहाँ बैठो। हाँ बैठता हूँ। भाई साहब, कैसा खुशबू दे रहा है, बोलिए। बहुत अच्छा, गाजर का हलवा। हाँ बहुत अच्छा खुशबू है। जानते हो भाई, अर्ध भजनम और अर्ध प्रप्तम। हाँ हाँ जानते हैं। जब खुशबू ले लिए हो तो आधा खा लिए हो, आधा पैसे दो। सिर्फ एक मोहर जो तुम तीनों खाए हो सबसे पहले देगा गोपाल। हाँ हाँ हाँ, रुको, दे रहा हूँ। हाँ, ये क्या है बताओ? मोहर है। सुगंध लेकर जैसे होता है अर्ध भजनम, वैसा देख कर अर्थ प्राप्तम। बस तुम मोहर देख लिए और पैसे मिल गया। ओए ओए, ढाबा वाला हार गया। ओए ओए, ढाबा वाला हार गया। ठीक है, अपना हार
मानता हूँ। सच में गोपाल तुम महान हो, महान हो। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर कलकत्ता में नीम चांद मल्लिक स्ट्रीट में भास्कर प्रमोद अपनी पत्नी एवं अपनी एक बेटी को लेकर किराए के घर में रहते थे। प्रमोद बाबू, आगामी 15 दिनों के अंदर ही इस घर को आप छोड़ दीजिएगा। इतना जल्दी? 15 दिनों के अंदर ही मैं अपना परिवार और सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? ऐसा करने से मैं अदालत जाऊंगा। इसी बीच एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम श्री राधा गोविंद। उनके मित्र नर हरिदास शाक्त और परम वैष्णवी थे। उनके एक परम मित्र का नाम भैरव चटर्जी था। वे भी परम शाक्त थे। दिन भर का काम निपटाकर वे दोनों शाम के समय बैठकर शतरंज खेला करते थे। लेकिन हठात एक दिन नर हरिदास की मृत्यु हो जाती है। नर हरिदास तो मर गए, अब घर का क्या करिएगा? क्या करूंगा, फिर किराया पर ही दूंगा। तो मुझे ही दीजिए ना, बड़ा उपकार होगा। नगद 1000 रुपया सलामी और प्रति महीना 600 रुपया भाड़ा देना होगा। इतने रुपए में कहाँ से पाऊंगा? तो ऐसा छोड़ दीजिए, आजकल घर भाड़ा की बड़ी मांग है। मैं दूसरा भाड़ेदार पा जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। एक दिन अमावस्या की रात नर हरिदास के परित्यक्त घर के सामने से बदन जा रहा था। अचानक ही, अरे कौन वहां है, बोलते क्यों नहीं? अरे बाप रे बाप, नर हरिदास ना। मैं भाड़े की अधिक कीमत पा रहा हूँ, इसलिए बदमाशी कर रहा है क्या जी? नर हरिदास तो एक परम वैष्णव भी थे ना, इसलिए मृत्यु के बाद तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ए वही है कि नहीं? जानते हो भाई, भूत की बात सुनकर कोई भी हमारे घर को नहीं लेना चाहता। मैं शाक्त हूँ, मंत्र साधक हूँ, वैष्णवी आत्मा मुझे देखते ही भाग जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिन उसी घर में रहूंगा, देखूं कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए। विगत 2 दिनों से नरहरिदास का दर्शन तो मुझे नहीं मिला। आज अमावस्या है, माँ की पूजा करूंगा। अगर इस घर में भूत प्रेत होगा तो बाप बाप करके यहाँ से भाग जाएगा। अरे वहाँ कौन है? कौन हो तुम? मैं नरहरि हूँ, नरहरिदास मेरे मित्र। एक बार मेरे साथ शतरंज खेलोगे? अरे बाप भागो। इस घटना के कुछ दिन बाद ही खेतु मल्ली के साथ प्रमोद भास्कर मिले। असल कलकत्ता में खाली घर पाना मुश्किल है। इधर अदालत का आदेश है, 1 महीने में मुझे घर छोड़ना होगा, जिसमें 1 सप्ताह ही बाकी रह गया। भूता घर की कारण ही तो कोई किराएदार नहीं आता है। देखो रह सकते हो कि नहीं? और भाड़ा? देना, महीने में केवल 200 रुपये। तो ठीक है, आप 3 वर्ष के लिए एक चुक्ति पत्र तैयार कर दीजिए, मैं कल आऊंगा। ये क्या जी, मैंने सुना है उस घर में भूत रहता है, वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे। भूतहा घर?
ठीक है, तब देखो मैं एक मूर्तिकार हूँ, इसीलिए मैंने रहीदास का चेहरा खूब अच्छा बनाया। अब क्या, इसके बाद इस मूर्ति को नरहरिदास के घर में रखने से तब तो किला फतह हो गया, चारों ओर शोर हो गया, वह भूता घर है। महाराज, इस बार आम पेड़ पे बहुत हुआ है। हाँ, ठीक बोल रही हो, इस साल आम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा खराब, छोड़िए, हमारे बगीचे में आम कैसा हुआ है वो बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बगीचे में जैसा अच्छा अच्छा आम का पेड़ है, मैं गर्व से कह सकती हूँ, वैसा हमारे सखी के बगीचे में नहीं। तो फिर क्या करोगी, अपने सखी को बुला के आम दिखाओगी? आम नहीं दिखाऊंगी, आम उसे भेजूंगी, सोने के थाली में ढका हुआ आम भेजूंगी मैं उसे। जो तुम्हारी मर्जी। पन्नाव रानी, वर्धमान की रानी आपके लिए कुछ उपहार दी है। क्या है, दिखाओ दिखाओ। अरे हाय, सोने की थाली में आम। हाँ, ये क्या, पत्र में कुछ लिखा हुआ है। सखी, तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य का आम भेजी हूँ, खा कर देखना। और हाँ, ज्यादा देर तक काट के मत रखना, वरना तुम्हारे सजावट जैसा गल जाएगा। देखिए महाराज, सखी मेरे लिए कैसा लिखी है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सखी लग रहा है अगले जन्म में मंत्रा या कैके थी। चलो बगीचे में। ठीक है, चलिए। महाराज देखिए, इस बार पेड़ पे जितना आम हुआ है वैसा ही लीचू भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। महाराज मैं कुछ सोची हूँ। क्या सोची हो रानी? गोपाल, एकलौता गोपाल ही अच्छा से जवाब दे सकता है, आप गोपाल को ही बुलाइए। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब परेशान मत होइए महाराज, इसका इलाज मेरे पास है, आप बगीचे का पहरेदारी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं महामंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इतना बड़ा बगीचा, इतना सारा पेड़ और इतना सारा लीचू, पहरी को अगर कहेंगे पहरा देने के लिए तो वो खुद खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? महाराज ये कौन कहा है? हमारा गोपाल। महाराज मैं कुछ सोचा हूँ, मैं गबूचंद्र और सेनापति गोपाल और कविराज, हम लोग मिलकर बगीचे का पहरेदारी करें तो कैसा होगा महाराज, बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? आपका जैसा मर्जी है महाराज, वैसा ही होगा, आज रात से हम लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। कितना अंधेरा वाला रात है। रात में अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा, रात में रश्मि मैंने तो कभी नहीं देखा। वाह, तुम चुप हो जाओ तो। गोपाल तुम दोनों यहाँ पहरा दो, हम तीनों उधर जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है, यही पहरा देते हो तुम। पश्चिम तरफ के लीचू पूरा चोरी हो गया। कल रात में पश्चिम की तरफ तो मंत्री जी पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ दे रहे थे। आज रात को कोई चोरी नहीं होना चाहिए, तेज़ से पहरा देना तुम लोग। हबूचंद्र, हम लोग आज बगीचे के चारों तरफ पहरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी चलो हम लोग पूर्व दिशा की तरफ पहरा देते हैं। गोपाल तुम लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाओ, चलो हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ।
ये तो बहुत शर्म की बात है। कल रात को बगीचे में चोर लीचू खा खा कर लीचू का छिलका फेंक रखे है। सुना हो कि पहरा देने से चोर चोरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। क्या हो रहा है महामंत्री? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गोपाल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जी नहीं महामंत्री। ठीक है, देख रहा हूँ महाराज क्या किया जाए। आज होशियार रहना पड़ेगा, चोर कैसे भी करके पकड़ना होगा। हम इस तरफ चलते हैं, गोपाल तुम उस तरफ जाओ। कभी रत्न, चलिए हम लोग छुपकर उनके पीछे जाते हैं। हाँ चलिए। लीचू बहुत मीठा है। हाँ बहुत मीठा है। क्या समझे कभी रत्न? बिल्ली दूध का पहरा दे रहा था। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रुकिए मैं आ रहा हूँ। लीचू खाकर मेरा पूरा पेट भर गया। तुम कौन हो? पहचान नहीं पा रहा है। मैं लीचू भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहता हूँ। कुछ दिनों से तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम लोग आज मैं तुम्हें मार दूंगा। डर गए कभी रत्न? डरिए मत, मैं गोपाल हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। जैसे मैं सबको डराया हूँ, अब चोरी नहीं होगा। हाँ चलो। अच्छा हुआ अब बगीचे में भूत के वजह से लीचू अब चोरी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, वर्धमान की महारानी को जवाब देने के लिए लीचू भी ले आया हूँ। प्यारी सखी, तुम्हारा आम बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मीठा नहीं था। अगर मीठा होता तो तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाता। इसीलिए सोचकर मैं अपने बगीचे का मीठे मीठे लीचू भेजी हूँ। हो सके तो इस लीचू को खाकर तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मौका मिलने दो तब बताऊंगी तुम्हें। हरा भरा एक जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस जलाशय के पास रहते थे एक सियार और एक सारस पक्षी। सवेरे सवेरे समय काटने के लिए जा रहा हूँ सारस भाई से मिलने को। अरे सियार भाई, कैसे हो? क्या खबर है? मेरा तो वही है, तुम्हारी क्या खबर है? दिन निकला नहीं और खाने के लिए निकल जाना पड़ा। आह, काश कोई मुँह के सामने खाना ला देता। अच्छा ये बात है। अरे आज दिन में चलो मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। लगता है आज इसके मजे लेने का दिन है। मजे लेते हैं। शाम हो गई, सारस पहुंच गया सियार के घर। सियार भाई, ओ सियार भाई, कहाँ हो? अरे आओ आओ, तुमको निमंत्रण देकर मैं खुद नहीं रहूंगा क्या? और बताओ सारस, कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा? खूब खराब भी नहीं, खूब अच्छा भी नहीं, बस चल रहा है किसी तरह। हाँ बढ़िया है। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना निकाल कर आता हूँ, क्या कहती हो? सियार गया खाना निकालने। आओ आओ सारस भैया।
खाने के पास सारस आकर देखता है एक पतले गोल थाली में पीला एक तरल पड़ा हुआ है। आओ सारस भैया, तुम्हारे लिए खाना तैयार है। अब आप हमारे अतिथि हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। मेरी लंबी चोंच से ये खाना खा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। प्रयास करके भी सारस कुछ नहीं खा पाया। इधर सियार जम कर खा रहा था। सारस भाई, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बताना मुझे। और बोलो, खाने की तो व्यवस्था ही की नहीं और पूछ रहे और लोगे। सियार का खाना खत्म, सारस बस भूखा ही रह गया। ठीक से खाए हो ना सारस भाई? खाना बहुत अच्छा था, किंतु भैया कल मैंने मेरे घर पे दावत रखी है, मेरे भी घर पे आके खाना खाना होगा। अरे कल ही क्यों, बाद में भी तो हो सकता है ना? ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, इतनी बार बोल रही हो तो चल आऊंगा मैं। तब मैं चलता हूँ भैया, गुड नाइट। दूसरे दिन बड़ी खुशी से सियार दावत के लिए सारस के घर पहुँचा। सारस भैया। अरे क्या सौभाग्य है मेरा, आओ भैया अंदर आओ। और बाकी सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ भैया सब ठीक है। तुम्हारे घर का मौसम बहुत ही ठंडा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ इसीलिए तो खुले आसमान में पेड़ के नीचे दावत की अच्छे से व्यवस्था की है। बहुत अच्छे, आओ भैया आप बैठ जाओ। सियार ने देखा पेड़ के नीचे दो लंबी सुराई में खाना रखा था। लो भैया शुरू करो। शुरू करते हैं। हाँ इस शुभ काम में देरी क्यों? सियार खाने का प्रयास करने लगा, किंतु घड़े के अंदर तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। खाने की खुशबू से सियार की भूख और बढ़ गई, किंतु वो कुछ नहीं खा पाया। पर सारस सुराई के अंदर अपनी लंबी चोंच से खाना खाता रहा। भैया और थोड़ा लो ना। पागल हो क्या, पेट भर गया मेरा। आज तो लगता है कि भूखे ही जाना पड़ेगा। खाना अच्छा था भैया? बहुत अच्छा था। तुम्हारा पेट भर गया ना भैया? एकदम भर गया। आपको खाना खिला के खुशी मिली, फिर आना होगा आपको। अरे आज की पार्टी तो इतनी मजेदार हो गई है, अगली बार का सोच के बताता हूँ। आप मेरे घर आने से मैं धन्य हो गया। ठीक है भैया। ओके देन बाय। गुड बाय।